Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हर साल भारत में होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि भारत के अलग अलग हिस्सों में भी समुदाय के लोग होली मनाते हैं, लेकिन अंदाज थोड़ा अलग हटकर होता है। होली के त्यौहार में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम होती हैं, पहला होलिका का दहन और दूसरा एक दूसरे पर रंग डालना। इन दोनों रीति रिवाजों के बिना होली का त्यौहार बड़ा ही फीका लगता है, लेकिन कुछ जगहों पर इन दोनों चीज़ों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ करने की परंपरा है। ऐसे में आज हम आपको भारत में मनाई जाने वाली होली से जुड़ी कुछ अजीबोगरीब परंपराओं से अवगत कराने जा रहे हैं। भारत के मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में होली के दिन एक दूसरे के ऊपर अंगारे फेंकने की परंपरा है। इस पुरानी परंपरा को आज भी कुछ लोग निभाते हैं। दरअसल ऐसा करने के पीछे एक धार्मिक मान्यता भी है। माना जाता है कि अंगारों से होली खेलने पर होलिका राक्षसी खत्म हो जाती है। इसी से मिलती जुलती होली कर्नाटक के धारवाड़ जिले के बड़ीवाली गांव में खेली जाती है। राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में रहने वाला एक समुदाय ऐसा भी है जो होली के दिन गुलाल फेंकने के साथ एक दूसरे पर पत्थर फेंकता है। यहाँ होलिका दहन के बाद पहले तो राख में दबी आग पर चला जाता है और फिर दूसरे दिन पत्थरबाजी करते हुए होली खेली जाती है। इस दौरान ये लोग अलग अलग ग्रुपों में बढ़ जाते हैं और फिर एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पत्थर लगने के बाद यदि आपके शरीर से खून निकलता है तो पूरा साल अच्छा माना जाता है। जहां एक तरफ होली के दिन हर कोई जश्न मनाता है, तो वहीं राजस्थान के पुष्करणा ब्राह्मण समाज के चोवटिया जोशी जाति के लोग इस दौरान मातम मनाते हैं। इनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता, खाना दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ से आता है। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार होलिका दहन के दौरान इस जनजाति की महिला का बच्चा जलती होली में जा गिरा था। उसे बचाने के लिए बच्चे की माँ भी अंदर कूद गई। दुर्भाग्य से दोनों की जानें चली गईं। ऐसे में उस महिला ने जाते जाते यही बात कही थी कि अब यहाँ कोई होली का जश्न नहीं मनाएगा। बस तभी से यहाँ के लोग होलाष्टक से होली तक मातम मनाते हैं। हरियाणा के कैथल जिले के दूसरपुर गांव में कोई होली नहीं मनाता। इसकी वजह यह है कि एक बार बाबा श्री राम स्नेही दास गांव के किसी व्यक्ति की किसी बात से नाराज होकर जलती होली में कूदकर अपनी जान दे दिया था। उसने जाते समय यह श्राप दिया कि यदि कोई इस गांव में होली मनाएगा तो उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। बस तभी से इस गांव के लोगों ने होली मनाना बंद कर दिया। मध्य प्रदेश के भील आदिवासियों के यहाँ होली पर एक बहुत ही अजीबोगरीब परंपरा को फॉलो किया जाता है। होली के दौरान यहाँ के गांव में बाजार लगता है। इस बाजार में लड़का लड़की अपने लिए जीवन साथी की तलाश करते हैं। इस दौरान आदिवासी लड़के एक विशेष वाद्य यंत्र बजाकर डांस करते हैं। इस दौरान यदि वो किसी लड़की को गुलाल लगा दे और वो सामने वाली लड़की भी उसे गुलाल से रंग दे तो संकेत होता है कि लड़का लड़की शादी के लिए राजी हैं। फिर लड़का लड़की को भगा कर ले जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.